दोस्तों, चंद्रयान 2 के विफल होने के बाद से ही चंद्रयान 3 की तैयारी स्टार्ट हो चुकी थी और अब चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम जानेंगे चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में क्या डिफरेंसेज हैं। भारत ने चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर का इस्तेमाल किया था, जबकि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी रूप से विकसित प्रोपल्शन मॉड्यूल को शामिल किया गया है। यह मिशन के लैंडर और रोवर को चांद की सतह पर छोड़ देगा और चांद की कक्षा में 100 किलोमीटर ऊपर तक इसके लगातार चक्कर लगाता रहेगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 के सफल होने पर भारत होगा दुनिया का पहला देश। भारत के लिए यह मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि भारत इस अभियान में सफल होता है तो ऐसा करने वाला पहला देश बन जाएगा। इससे पहले किसी भी देश ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग नहीं की है। दोस्तों, चांद मेरा दिल इतिहास रचने निकला चंद्रयान 3। लैंडिंग में किसी भी गलती को 96 मिलीसेकंड में सुधारेगा विक्रम लैंडर। चंद्रयान 3 अपनी 3.84 लाख किलोमीटर की लंबी यात्रा पर निकल चुका है। उसे चंद्रमा पर पहुंचने में करीब 42 दिन लगेंगे। LBM-3 रॉकेट ने इसे 179 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ दिया है। अब आगे की यात्रा चंद्रयान 3 खुद करेगा। जानिए कि चंद्रयान 3 कहां लैंड करेगा। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी, चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। 23 से 24 अगस्त के बीच किसी भी समय यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मेंजिनस यू क्रेटर के पास उतरेगा। चंद्रयान 3 को LBM-3M4 रॉकेट 179 किलोमीटर ऊपर ले गया। उसके बाद उसने चंद्रयान 3 को आगे की यात्रा के लिए अंतरिक्ष में धकेल दिया। इस काम में रॉकेट को मात्र 16.15 मिनट लगे। दोस्तों, इस बार धरती और चंद्रमा के 5-5 चक्कर लगाएगा चंद्रयान 3। इसरो के एक वैज्ञानिक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि 170 × 36,500 किलोमीटर वाली अंडाकार जीओसी फ्रांसिस ट्रांसफर ऑर्बिट के जरिए चंद्रयान 3 की ट्रैकिंग और ऑपरेशन ज्यादा आसान और सहज होगा। चंद्रयान की ओर भेजने से पहले चंद्रयान 3 को धरती के चारों तरफ कम से कम 5 चक्कर लगाने होंगे। हर चक्कर पहले वाले चक्कर से ज्यादा बड़ा होगा। ऐसा इंजन को ऑन करके किया जाएगा। 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में जाएगा चंद्रयान 3। इसके बाद चंद्रयान 3 TLI कमांड दिए जाएंगे। फिर चंद्रयान 3 सोलर ऑर्बिट यानी लंबे हाईवे पर यात्रा करेगा। 31 जुलाई तक TLI को पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद चंद्रमा करीब 5.5 दिनों तक चंद्रमा की ओर यात्रा करेगा। चंद्रमा की बाहरी कक्षा में वह 5 अगस्त के आसपास प्रवेश करेगा। दोस्तों, लैंडर की ताकत, इंजन और लैंडिंग साइट का एरिया बढ़ाया गया है। इस बार विक्रम लैंडर में चारों पैरों की ताकत को बढ़ाया गया है। नए सेंसर्स लगाए गए हैं, नया सोलर पैनल लगाया गया है। पिछली बार चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट का क्षेत्रफल 500 मीटर × 500 मीटर था, जो अब बढ़ाकर 4 किलोमीटर × 2.5 किलोमीटर रखा गया है। यानी इतने बड़े इलाके में चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उतर सकता है। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि खुद लैंडिंग की जगह चुनेगा विक्रम लैंडर। सभी खतरों को खुद भापेगा और विक्रम लैंडर 96 मिलीसेकंड में ही सुधारेगा सारी गलतियां। दोस्तों, विक्रम लैंडर के इंजन पिछली बार से ज्यादा ताकतवर है। पिछली बार जो गलतियां हुई थी उससे सबसे बड़ी वजहों में से एक था कैमरा, जो आखिरी चरण में एक्टिव हुआ था, इसलिए इस बार उसे भी सुधारा गया है। इस दौरान विक्रम लैंडर के सेंसर्स गलतियां कम से कम करेंगे। उन्हें तत्काल सुधारने के लिए विक्रम के पास 96 मिलीसेकंड का समय होगा, इसलिए इस बार विक्रम लैंडर में ज्यादा ट्रैकिंग, टेलीमेट्री और कमांड एंटीना लगाए गए हैं, यानी गलती की संभावना न के बराबर है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।